एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में बात करने वाली हैं NIT दिल्ली की तरफ से आउट हुई नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में। गवर्नमेंट पोजीशंस हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। 42 वैकेंसीज को आउट किया गया है, नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसीज आउट की गई हैं। 10 पास हैं, 12 पास हैं, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, डिफरेंट डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस। फुल नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी पैकेज प्रोवाइड की जा रही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, स्पेसिफिकली डिसिप्लिनस में किन डिसिप्लिनस में वैकेंसीज हैं, एंड येस यहाँ पर इनकेस अगर कोई क्वेरीज होती हैं किस तरीके से टैकल करना है, फुल डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं नोटिफिकेशन में, गो थ्रू करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बिकॉज बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन हैं ये कवर कर सकते हैं आप योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पर। एंड फॉलो जरूर कीजिएगा टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसके लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन हैव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत सारी PDFs हैं वो हम शेयर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे सोशल मीडिया पर, तो उन्हें आप गो थ्रू जरूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NIT दिल्ली की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। NIT दिल्ली की नॉन टीचिंग पोजीशन है ग्रुप ए, बी एंड सी की वैकेंसीज आउट की गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 29 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर 18 फरवरी तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा 18 फरवरी तक। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, टाइमली अप्लाई करना, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर दीज पोजिशंस। अब मेनली हम बात करेंगे वैकेंसीज के लिए, 18 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए में डिप्यूटी रजिस्ट्रार की वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आउट की गई हैं, अप टू 2 लाख तक की यहाँ पे सैलरी पैकेज है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रुप बी की टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ को आउट किया गया है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की है, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की, सुप्रीडेंट की वैकेंसीज़ को आउट किया गया है कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप सी में सीनियर टेक्नीशियन की, सीनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है, जूनियर असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज़ हैं। टोटल 42 वैकेंसीज है यहाँ पर, एंड यस एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेंगी आपको, एज में भी मिलेंगी, कैटेगरी की जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इन वैकेंसीज में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वैकेंसीज में रिलैक्सेशन मिलेंगी, एंड यस एज में भी आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज पर योर रूल्स यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, और एज में भी यहाँ पर आपको कंसेशन मिल जाएगा। 42 वैकेंसीज हैं वो आउट की गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अब मेनली हम बात करेंगे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, भले ही आपको रजिस्ट्रार की पोजीशन के लिए अप्लाई ना करना हो, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर अभी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ही रहे हैं, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी जो भी हायर पोस्ट आउट होती है ना उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उसे हमेशा गो थ्रू कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड है आपको एक करियर सेटअप करने के लिए, चाहे एक प्रोफेसर हैं आपने या फिर मास्टर्स की हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन में जो हायर पोस्ट होती है, जो हायर पोजिशन होती है, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी चाहे एज है वो 50 इयर्स ना हो, आप नहीं चाहे इतने एक्सपीरियंस ना हो कि रजिस्ट्रार की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकें, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेटर ऑन यू हैव टू मेक योर करियर, और शायद आप भी उसी डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करें। सो यहाँ पर डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जो 2 वैकेंसीज आउट हुई है, मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, किसी भी डिसिप्लिन में हो, एक्सपीरियंस यहाँ पर डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेगा, एंड जो क्वालिफिकेशन है वो मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, लॉ में रिक्वायर्ड रहेगी। तो अगर इन डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार की पोजिशंस के लिए। लॉ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है रजिस्ट्रार की पोजिशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी, इंजीनियरिंग में भी पोजिशंस आउट होती हैं। तो जो भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या लॉ में जाना चाहते हैं, लॉ बैकग्राउंड से हैं, आपको यहाँ पर लेटर ऑन रजिस्ट्रार की जो वैकेंसीज हैं या पोजीशंस हैं उसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज हैं यहाँ पर, इसके लिए मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी, एंड गैस सेम है मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लो बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ग्रुप बी की जो ये वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट में 14 वैकेंसीज हैं, एंड यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी, MCA किया है वो रिक्वायर्ड रहेगा, या डिप्लोमा आपने किया है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है साइंस में, कर सकते हैं अप्लाई इन पोजीशंस के लिए।
लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में अगर आप लाइब्रेरी साइंस से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यस अगर आपने बैचलर्स की है साइंस कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं इन पोजिशंस के लिए। तो मल्टीपल वैकेंसीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हर स्ट्रीम में होती है, मैं हर वीडियो में ये रिपीट करती हूँ पॉइंट, तो इसीलिए हर एक नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, मैम मैं एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से हूँ मेरे लिए वैकेंसीज हैं। देखिए वैकेंसीज बहुत निकलती हैं, अब आपको ये नेम देखने को लिए मिला होगा इस वीडियो का कि ग्रुप ए बी एंड सी की वैकेंसीज निकली हैं, वहाँ पे मेंशन तो नहीं था कि आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन देखनी होती है। कोई भी एडवर्टीजमेंट में हमेशा स्टार्टिंग में ही आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि एम बी के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं, प्रॉपर नोटिफिकेशन को गो थ्रू करो जो भी वैकेंसीज निकलती है ताकि आपको पता चले कैसी कैसी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट से आउट होती हैं। बैचलर्स आपने किया हुआ है, डिग्री है आपके पास, मास्टर्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन से कर सकते हैं अप्लाई। ग्रुप सी की वैकेंसीज आउट की गई है, सीनियर टेक्नीशियन की यहाँ वैकेंसीज हैं, 12th पास जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स की डिग्री है दैट विल बी एडवांटेज, डिप्लोमा किया हुआ है कर सकते हैं आप इसके लिए अप्लाई, सीनियर असिस्टेंट की पोजीशंस के लिए कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई। अब एज लिमिट है वो डिफरेंट एज लिमिट है वो टोटली मेंशन की गई है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 27 ईयर्स तक की एज रहेगी, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो भी फ्रेशर्स हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। यहाँ पर रिजर्वेशंस प्रॉपरली हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, मल्टीपल पोजीशन आउट की गई है, चाहे डिफरेंट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं अप्लाई कीजिए इन पोजीशंस के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, IIT दिल्ली की तरफ से गवर्नमेंट पोजीशन आउट की गई है। अब है यहाँ पर जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे वो रिटर्न एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, प्रॉपर रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कॉन्टैक्ट कीजिए यूरपीड एजुकेशन को, फिल आउट कीजिए इंक्वायरी फॉर्म जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज लगाओ, प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज लगाओ ताकि आपको पता हो कि एक्चुअल इंटरव्यू में किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। टेक प्रॉपर सर्विसेज एंड यस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं सर्विसेज लेते हैं अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे इन पोजीशंस के लिए। सो NIT दिल्ली की तरफ से वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं, इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 29 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। अप्लाई करते हुए इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर प्रॉपरली ईमेल एड्रेस है वो मेंशन किया गया है, अपनी क्वेरी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन एंड फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट योर पीड एजुकेशन फॉर द सेम, इंक्वायरी पुट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म प्रोवाइडेड है, एंड यस एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कीजिए इन पोजीशन के लिए, ऑल द बेस्ट।